हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटो कॉल रिसीव कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक जो कॉल होती है, किसी बंदे की कॉल आई और उठा के अपने सीधा कान पे लगा लिया, वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है। तो किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन को अनेबल करना पड़ता है, कौन से क्या क्या करना पड़ता है, आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा तो किसी बंदे की कॉल आई, वो सीधा अपने फ़ोन को उठाता है और अपने कान पर लगा लेता है, तो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है। उस बंदे को स्वाइप अप या स्वाइप डाउन कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, टच पे वो सीधा अपने कान पे ले जाता है और अपने जो है कॉल रिसीव ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव कैसे अनेबल करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद, इसके सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कन्वर्सेंस टूल। यदि आपके फ़ोन में यहाँ पे सर्च करने पर यहाँ बाहर ही ना मिले, तो आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ के, जैसे कि मेरे को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पे बाहर यहाँ पे है, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, इसको ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन। तो सिंपली आपको गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट कॉल का। तो सिंपली आपको स्मार्ट कॉल पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप फ़ोन के डिस्प्ले पर दिख पा रहे होंगे। तो आपको इसमें से कौन सा अनेबल करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो सा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार में से आपको कौन सा अनेबल करना है, तो मैं बता देता हूँ। आपको सेकंड नंबर वाला यहाँ पे अनेबल कर देना है, जैसे कि मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप दिख भी सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, यदि आपके किसी बंदे की कॉल आपके पास आती है, तो आपको स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा अपना फ़ोन उठाना है और कान पर लगा लेना है, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।